गुड मॉर्निंग SVM ऑनलाइन क्लासेस भाद्राजून में आपका स्वागत है। और आज जो कल हमने पढ़ा था हल्की बारे में, उसको वापस शुरू कर रहे हैं, अपना फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन व प्रबंध। ठीक है, तो इसमें अपन हल पढ़ रहे थे हल्की बारे में, तो मैं वापस हल से ही शुरू कर रहा हूँ ताकि थोड़ा रिप्राइज हो जाए, रिविजन हो जाए आपके। तो देखो यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है। चित्र में ये दो बैल हैं, मान लो दो बैल हैं, दो बैलों के द्वारा जुताई की जाती है। क्या की जाती है? जुताई। और जुताई का कार्य किससे हो रहा है? हल से। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं हल की। किसकी बात कर रहे हैं? हल की, क्योंकि जुताई का कार्य है। जुताई क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था ना। अरे जुताई क्या होता है? मैंने आपको बताया था कल, परिभाषा बताइए। मिट्टी को उलटना, पलटना और पोला बनाने की क्रिया को जुताई कहते हैं। तो यहाँ पर दो बैल हैं, यहाँ ये बीच वाला जो भाग है ना, ये बेटा इसको बोलते हैं जोत। क्या बोलते हैं इस पूरे को? जोत। ये दो बैलों के कंधों गर्दन पे रखा गया है ना, तो ये जोत हो गया। ये बीच वाला नुकीला भाग ये फाल हो गया। और ये यहाँ पे जो लगा हुआ है, यहाँ पे दो हैंडल होते हैं पकड़ने के। ठीक है, अब ये है, अब इसको देखो अलग कर दिया। अब पूरी हमने क्या कर दिया? हल को अलग कर लिया। हल को देखते हैं तो क्या होता है, देखो ये जो नुकीला भाग है, ये नुकीला भाग जिसको इसके द्वारा जुताई का कार्य किया जाता है, तो इस लंबी तिकोनी पत्ती को क्या बोलते हैं? फाल। क्या बोलते हैं? फाल। ये फाल हो गई। और दूसरे देखो फाल यहाँ पर लगे हुए, ये फाल दोनों एक ही हैं। ये तो एक खुला हल अलग से पड़ा है और ये हल यहाँ पर जोता गया है इस बैलों के गर्दन के ऊपर। तो हल जो है, देख रहे हो आप, ये होगी लंबी तिकोनी पत्ती, इसको बोलते हैं फाल। ये फाल यहाँ, ये हो गया फाल। ठीक है, फिर ये बीच वाली लंबी लकड़ी होती है मुख्य भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा लंबा भाग लकड़ी का होता है, इसे हल सेफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हल सेफ्ट। देखो ये लंबी तिकोनी हो गई वो फाल, ये हो गया हल सेफ्ट। क्या हो गया? हल सेफ्ट। और यहाँ दो हैंडल लगे होते हैं ऐसे, देखो ये हैंडल है ना, ये देखो यहाँ पे लगे हुए हैं एक हैंडल से, तो ये पूरा जोत लगी हुई है। इसके ऊपर लकड़ी का लंबा डंडा होता है जिसको बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक हैंडल पकड़ने का होता है, धागा डोरी वो रस्सी बांध के, और एक हैंडल से यहाँ पे ये जोत लगी हुई होती है जो बैलों के गर्दन के ऊपर होती है। तो इस प्रकार ये हल होता है। हल समझ में आ गया? वापस इसको देखो छोटे वाले को, ये लंबी तिकोनी पत्ती जो है इसको बोलते हैं फाल, बीच वाला मुख्य भाग हल सेफ्ट कहते हैं, ये दो हैंडल लगे हुए हैं, और ये जो लकड़ी होती है लंबी लकड़ी जो बैलों के गर्दन के ऊपर रखी जाती है, इसको जोत कहा जाता है, और इसके द्वारा जुताई का कार्य किया जाता है। तो हल द्वारा जुताई का कार्य बहुत ही प्राचीन समय से, पुराने समय से चला आ रहा है। जुताई करना, खरपतवार डालना, बीज डालना और खरपतवार को हटाने का आदि काम हल के द्वारा किए जाते हैं। तो ये हो गया हल। अब हल जो है इसके द्वारा अपन जुताई का कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल लकड़ी के हल की जगह लोहे के हल काम में लिए जाते हैं। तो आप समझ में आ गया क्या चाहिए आपको? ये मुख्य भाग हल सेफ्ट, लंबी तिकोनी पत्ती फाल, दो हैंडल, और ये लंबी लकड़ी होती है जिसको बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है, उसको बोलते हैं जोत। इसमें दो जोड़ी बैल चाहिए, दो जोड़ी ऊंट भी ले सकते हो, और इसके द्वारा जुताई का कार्य किया जाता है। तो समझ में आ गया आपके हल। अब इसके बारे में लिखेंगे, तो आप लिखना मेरे पीछे पीछे हल द्वारा। लिखो, कॉपी निकालो, नोटबुक निकालो, उसमें लिखो, नोटबुक निकाल के लिख लो बेटा जल्दी से। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर आपको लिखवाते हैं नोट्स के रूप में। अब नोट्स के रूप में लिखेंगे आप, लिखना हल का प्रयोग प्राचीन समय से चला आ रहा है। हल का उपयोग, इसमें लिखना हल का उपयोग जुताई करने में खरपतवार आगे आएगा वो मैं बताऊंगा आप, खरपतवार क्या होती है,
खरपतवार हटाने तथा तथा मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है। मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता है के लिए किया जाता है किया जाता है। अब लिखना हल, हल में लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, इसे फाल कहते हैं। मैंने आपको चित्र बना के समझा दिया है, लंबी तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं, इसे फाल कहते हैं। फाल के अंदर कलर नीचे आगे लिखना, फाल कहते हैं आगे लिखना, हल का मुख्य भाग, हल का बीच वाला भाग, तो हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिससे इसे क्या कहते हैं, हल शेफ्ट, बीच में होती है लंबी लकड़ी वाला भाग, वो इसे हल शेफ्ट कहते हैं। हल शेफ्ट कहते हैं, हल शेफ्ट कहते हैं। और फिर तीसरा एक भाग है उसके बारे में लिखना, जोत के बारे में थोड़ा लिख लो, इसके एक सिरे पर हैंडल होता है पकड़ने का हैंडल होता है, तथा दूसरे सिरे पर जोत लगी होती है। जोत को बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है, ये लिखना, जोत को बैलों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है था। यह कार्य दो जोड़ी बैलों के साथ तथा यह कार्य दो जोड़ी बैल या ऊंट भी ले सकते हैं या ऊंट द्वारा या ऊंट लेकर किया जाता है। चलो ये हो गया इसके बारे में पूरा। अब इसके अलावा भी आप लिख सकते हो लेकिन चलो आजकल इतना ही खूब है। तो हल के बारे में हमने लिख दिया, अब हम हल के बाद बात करेंगे कुदाली की। कुदाली आती हैं लोहे की बनी हुई, चलो इसके बारे में लिखो जल्दी से फिर आगे करवाते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लो आराम से, बढ़िया एकदम, फिर हम कुदाली लेंगे, कुदाली की बात करेंगे। चलिए शुरू करें, इसको मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं जुताई में काम में आने वाला दूसरा उपकरण है कुदाली। जुताई करने के लिए पहला काम में लिया जाता हल, अब दूसरा आ रहा है कुदाली। क्या आ रहा है?
दो नंबर लगा के लिखेंगे कुदाली। कुदाली में क्या लिखेंगे, देखो कुदाली कैसी होती है मैं आपको एक बार बना के बताता हूँ पूरा। एक लंबी लोहे की छड़ होती है ऐसे, ठीक है। अब इस पर क्या होगा, आगे से थोड़ी चौड़ी होती है ऐसे, इसके ऊपर ऐसे हैंडल लगा होता है, ठीक है। ये पकड़ हो गया, ऊपर पकड़ पकड़, ये पकड़ने का, और ये हो गया हैंडल, ठीक है। ये लंबी छड़ हो गई, ये हो गई लोहे की लंबी छड़। लकड़ी की भी ले सकते हैं लेकिन आजकल लोहे की ही लेते हैं। फिर यहाँ पे एक ऐसे तीखी पत्ती होती है चौड़ी, और आगे से तीखी ऐसे, या ऐसे ले लो थोड़ी अलग है, अपने थोड़ी फावड़ी होती है ना फावड़ी, उसके टाइप की थोड़ी होती है अस्थिकोणी, लंबी चौड़ी मुड़ी हुई और मुड़ी हुई प्लेट, मुड़ी हुई ब्लेड टाइप होती है, लंबी चौड़ी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती हैं। ये ब्लेड की तरह कार्य करती है। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये लंबी चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट है, ये तो एक ब्लेड की तरह कार्य करेगी। जैसे वो फाल था ना, हल में वो फाल होता है तीखा तीखा, वो जल खेत जोतने में काम में आता है, वैसे ही ये कुदाली जो है ये पूरी एक लंबी लोहे की छड़ होती है, ऊपर इसके हैंडल और ये पकड़ के पकड़ने का लगा होता है, और ये पूरी लंबी होती है लोहे की छड़। इसके एक सिरे पे यहाँ पे क्या होता है, ये लंबी लंबी है और चौड़ी भी है और मुड़ी हुई, यहाँ से मुड़ी हुई तो लंबी चौड़ी हुई मुड़ी हुई प्लेट होती है जो एक ब्लेड की तरह कार्य करती है। तो इसके एक सिरे पे इधर तो लगी होती है ये अपनी लंबी चौड़ी मुड़ी हुई ब्लेड या प्लेट कह सकते हैं, और इसके दूसरे सिरे पे यहाँ पे ये सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, या ये किसको, ये कौन खींचता है, पशु। तो ये दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, ये पशुओं के बांध के पीछे ऐसे और फिर खींचा जाता है। तो ये हो गया अपना कुदाली, क्या हो गया कुदाली। यहाँ पर ऐसे जोत लगी होती है, यहाँ जोत लगाते हैं, जैसे वो लकड़ी वाली जोत थी ना, जैसे हल में लकड़ी की जोत होती है वैसे यहाँ भी एक जोत लगी हुई होती है। तो कुदाली आप समझ गए, लंबी लोहे की छड़ होती है इस पर, जिसके एक सिरे पे यहाँ पे एक लंबी चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट लगी होती है जो एक ब्लेड की तरह कार्य करती है। जैसे हल में वो फाल थी वैसे इसमें लंबी चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसके एक सिरे पे ये लंबी चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट होती है, जबकि दूसरे सिरे पे यहाँ पे ये जोत लगी होती है, और दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है, और इसके द्वारा भी मिट्टी को पोला करना यानी जुताई का कार्य किया जाता है, और खरपतवार हटाने का कार्य भी इस कुदाली द्वारा किया जाता है। समझ गए आप लोग, चलें अब इसके बारे में लिख लो। इसके बारे में लिखना कि यह एक सरल औजार है जिसके द्वारा जुताई का और खरपतवार निकालने का कार्य करता है। यह एक सरल औजार है जिसके द्वारा मिट्टी को पोला करना क्या होता है, जुताई व खरपतवार हटाने का कार्य किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसके ये लिख लो, यह लंबी लोहे या लंबी लोहे की छड़ होती हैं, लोहे की बनी होती हैं, और इसके एक सिरे पे
इसके एक सिरे पे, एक सिरे पे लंबी चौड़ी मुड़ी हुई प्लेट लगी होती हैं, जो एक ब्लेड का कार्य करती हैं, लगी होती हैं जो एक ब्लेड का कार्य करती हैं, लंबी मुड़ी हुई ब्लेड का कार्य करती हैं, तथा इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। चलिए इसके बारे में लिखिए जल्दी से कुदाली। अब हम लास्ट बात करेंगे जुताई के लिए कल्टीवेटर के, तो कल्टीवेटर भी लिखेंगे। पहले आप इसको लिख लो, फिर इसको कल्टीवेटर को समझाएंगे। चलो इसके साथ साथ कल्टीवेटर को भी समझा देते हैं, ठीक है। कल्टीवेटर तीसरा, कल्टीवेटर यानी कल्टी। जब अपने घर में कल्टी होती है ना बेटा, ट्रैक्टर के पीछे कल्टी बांधते हैं और फिर उसे जुताई की जाती है, तो कल्टीवेटर के बारे में पहले सुन लो। कल्टीवेटर यानी कल्टी, इसको अपन अपनी आम भाषा में कल्टी बोलते हैं। देखो पीछे लगी होती है ना, अस्थी के तीखे नुकीले उसके भाग होते हैं, ऐसे लोहे की बनी हुई, ठीक है, ऐसे होती है, लोहे की बनी हुई है, लोहे के लंबे लंबे तिकोण है ऐसे, इसमें ब्लेड टाइप लगी होती हैं, और ये कल्टी या कल्टीवेटर बोलते हैं इसको। इसको ट्रैक्टर के पीछे ऐसे बांधा जाता है, लगाया जाता है, और फिर जुताई यानी खेत खड़ने का यानी जुताई का कार्य किया जाता है। तो आजकल ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर यानी कल्टी बांध के जुताई का कार्य किया जाता है, जिससे कम समय में और कम मेहनत में ही जुताई की जा रही है। तो कल्टीवेटर के बारे में भी लिख दें, समझ गए आप कल्टीवेटर के बारे में, ठीक है ना। ऐसा कल्टीवेटर होता है आपके घरों में होगा, जिनके घर में ट्रैक्टर हैं, उनके खेत हैं, उनके घर में कल्टी भी पड़ी होगी। चलो लिख, कल्टीवेटर के बारे में भी लिख दो, दो मिनट दो लाइन लिख दो इसके बारे में। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित, ट्रैक्टर द्वारा चलने वाला कल्टीवेटर, ट्रैक्टर होगा तो ही कल्टी चलेगी ना, वरना कैसे चलाएंगे। तो ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है आजकल जुताई, ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर नामक यंत्र से की जाती है। नामक औजार भी लिख दो, यंत्र कुछ भी लिख सकते हो, नामक औजार से की जाती हैं, जिससे ये इसमें क्या होता है, फटाफट ट्रैक्टर को चला के कल्टी लगा के पीछे जुताई का कार्य फटाफट किया जाता है, समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है। तो इससे कम समय व कम मेहनत में कार्य पूर्ण हो जाता है। ओके, चलो कल्टीवेटर के बारे में लिख दो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। तीसरी प्रक्रिया, चलिए आप लोग इसको वीडियो को रोक के फिर आराम से कर लेना अगर लिखना हो तो, ठीक है। बाकी अपने पास खूब टाइम पड़ा है, आप वीडियो को रोक के आराम से कर लें। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे हम फसल निर्माण से पहले
या फसल उत्पादन से पहले किए जाने वाले कार्यों में पढ़ रहे थे। आप तीसरा पढ़ेंगे बुआई, क्या पढ़ेंगे, सॉरी पहला ही पढ़ा था हमने मिट्टी तैयार करना, और दूसरा पढ़ेंगे बुआई। मिट्टी तैयार करना, इसमें हमने पढ़ लिया कि मिट्टी को पोला बनाना, उलटना पलटना, ये कार्य जुताई कहलाता है। और जुताई का कार्य करना बहुत ज़रूरी है, जुताई करने से सूक्ष्म जीव वृद्धि होती हैं, पोषक ऊपर आते हैं, इसलिए मिट्टी तैयार करना पहला प्रक्रम है फसल उत्पादन से पहले किए जाने वाले कार्यों में। फिर दूसरे इसमें हमने पढ़ा जुताई के बारे में, जुताई जो है वह हल, खुदाली और कल्टीवेटर तीन यंत्रों के द्वारा की जाती है। अब हम दूसरी प्रक्रिया पढ़ेंगे फसल उत्पादन से पहले किए जाने वाले कार्यों में, बुआई। बुआई का सीधा मतलब है बीज बोना। खेतों में बीज बोएंगे ना, खेत तैयार कर दिया, मिट्टी तैयार कर दी, अब उसमें बीज बोते हैं, तो हम दूसरी क्रिया पढ़ेंगे बुआई। क्या पढ़ेंगे, बुआई। तो दूसरा बुआई, बुआई में क्या करते हैं कि सबसे पहले अच्छे बीजों का चयन किया जाता है, बढ़िया बीज हैं, अब भाई खेत में बीज बोना है, बुआई करनी है, तो बुआई के लिए सबसे पहले अच्छे बीजों का चयन किया जाता है। तो अच्छे बीजों का चयन करके फिर वो अच्छे बीज खेतों में बोए जाते हैं। फिर बुआई करने के लिए भी दो तीन यंत्र काम में आते हैं, ड्रिप तन सीड ड्रिल है, बीज बोने के लिए एक टेक्निक है, यंत्र आता है जिसके द्वारा बीज बुआई का कार्य किया जाता है। तो अपन क्या करते हैं, अब पढ़ेंगे बुआई के बारे में। सबसे पहले क्या करते हैं, बीजों का चयन करते हैं। बीजों का चयन करने के लिए क्या करेंगे, अच्छे बीज और ख़राब बीज अलग कैसे करेंगे, तो कुछ बीजों को लेके उसको पानी के अंदर डालते हैं, और पानी में डालने के बाद अगर कुछ बीज हल्के होंगे वो पानी में ऊपर आ जाएंगे, और थोड़े बहुत जो भारी होंगे वो नीचे ही रहते हैं। तो हल्के बीज क्या होते हैं, खोखले, और खोखले बीज क्या होते हैं, ख़राब। जो भी हल्के या खोखले होंगे वो मतलब ख़राब हो गए अंदर से, इसलिए वो हल्के हो गए, खोखले हो गए, और जो हल्के और खोखले होते हैं वो बीज पानी में ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार हम खराब बीजों को अलग करते हैं और अच्छे बीजों को यानी स्वस्थ बीजों को अलग कर लेते हैं, और इस प्रकार हम बुआई से पहले बीजों का चयन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे आपसे। ओके बेटा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।